क्या दी? किसकी शादी? मेरी। किसके साथ? तुम्हारे देवर के साथ। मेरी शादी? माँ, तुम्हें पता है सब कुछ। दी जो कह रही हो, फिर भी नहीं, मैं तुम्हारे देवर के साथ शादी नहीं करूंगी। 10 साल से बड़ा है वो। क्या अच्छा आदमी? तुम्हें लगता है तुम्हारा देवर अच्छा आदमी है? नहीं, एक नंबर का खटिया आदमी है। माँ तुम चुप रहे, आज तक हम चुप बैठे इसके लिए, इसके वजह से, ताकि इसे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन नहीं, बात मेरी शादी की हो रही है ना, तो मैं आज बोल दूंगी जिसकी बात कर रही हो कितना गलत आदमी है। प्लीज माँ, प्लीज बोलने दो आज। दीदी, तुम्हें याद है जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी, तभी तुम्हारे घर आई कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने के लिए, और मुझे अकेले को हॉल में सो दिया था। तब तुम्हारा देवर दी रात को मेरे पास आया था। सच कह रही हूँ, और उसने मुझे टच करने की कोशिश की थी। छोटी बच्ची थी मैं, घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा था, ये आदमी क्या कर रहा है। मैंने तुम्हारे पास आने की, ये बात बताने की बार बार कोशिश की थी, फिर उस आदमी ने मुझे हमेशा रोक दिया। मैंने मम्मी पापा को भी ये बात बता दी थी, लेकिन हम सब लोग तुम्हारे लिए चुप बैठे। तुम कह रहे कि नहीं, तुम्हारे देवर के साथ शादी नहीं करूंगी। इतना सब कुछ बताया, फिर भी आप लोग कह रहे कि नहीं। अगर आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, तो मैं उस आदमी को सबके सामने थप्पड़ लगाऊंगी। अब तक मुझे ये मत कहना मैंने उसे क्यों मारा। क्या दुख है यार।